नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। बहराइच रोडवेज वर्कशॉप कर्मचारियों ने किया धरना प्रदर्शन। वर्कशॉप में आउटसोर्सिंग से कर्मचारियों की भर्ती 4 माह से नहीं मिला है, इन सभी का वेतन मांग न पूरी होने पर मंडल स्तर पर करेंगे प्रदर्शन। वेतन न मिलने पर कर सकते हैं चक्का जाम। कर्मचारी धरने पर बैठे हुए हैं, क्या मामला है? हमारे जो आउटसोर्सिंग लेबर है, इनके नवंबर का पेमेंट हो गया, नवंबर पेमेंट नहीं हो पाया। निकाले से पैसा आता है, अभी आया नहीं है, बातचीत चल रही है। इसी बीच हम लोकल स्तर से आज हम पेमेंट एक महीने कराने का प्रयास कर रहे हैं, 8 साल हो जाए, और यह आश्वासन दे रहे हैं कि मुख्यालय जैसे ही आएगा 1 सप्ताह के बाद उसे मैंने करा देंगे। तो हम आपस में बात कर रहे हैं, सकता है हमारे साथी लोग मान जाए। इन लोगों को कितने महीने का तनख्वाह बाकी और कितने महीने का दे रहे हैं आप? दिसंबर से इन लोगों को भुगतान नहीं हुआ है। अभी कितने महीने का दे रहे हैं तनख्वाह? आज तो 1 महीने का दे रहे हैं और 1 महीने का 1 सप्ताह का दे रहे हैं। यहाँ पर लगभग 30 से 40 कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर कार्य करते हैं, जिनका मत बंद 4 से 5 हज़ार रुपये है, और ये बहुत ही गरीब परिवार से है। इनका परिवार इसी पैसे से चलता है। 3 या 4 महीने का इनको वेतन नहीं मिला है। सेवा प्रबंधक से बार बार कहने पर सेवा प्रबंधक महोदय मुख्यालय और इधर उधर की बातों से लेकर ताला करते हैं। आज कर्मचारियों के परिवार पर इतनी पीड़ता आ गई है कि भुखमरी के कगार पे हैं। और आज जब सेवा प्रबंधक से हम लोग संगठन पर संयुक्त परिषद सेंटर निजी वर्षाप के समस्त कर्मचारी मिलकर, जब पदाधिकारी और अधिकारी मिलकर गए हम लोग बात करने, तो उन्होंने साफ स्पष्ट कहा कि 1 माह का वेतन तो हम दे सकते हैं, वो भी बैंकिंग माध्यम से, और बचा पैसा मुख्यालय बात करें। तो काम सेवा प्रबंधक महोदय ले रहे हैं कि मुख्यालय ले रहा है? सेवा प्रबंधक की जिम्मेदारी है कि इनको हर माह वेतन देना चाहिए। ये गरीब लोग हैं, इनका 4 से 5 हज़ार, आज महंगाई के ज़माने में 4 से 5 हज़ार रुपये में अपने परिवार का चलाते हैं। परिवार इनका कैसे चलता है? अगर इनको 2-2, 3-3 महीना वेतन नहीं मिलेगा तो इनका तो परिवार रोड पे आ जाएगा, भुखमरी की कगार पे। क्या ऐसे में हमारे सेवा प्रबंधक को नहीं सोचना चाहिए? इसी वजह से आज ये कर्मचारी गुस्से में आक्रोशित होकर कार को बहिष्कार कर दिए हैं, बैठे हैं। पहले वेतन की बात करें कि हमारा बकाया पैसा दिया जाए, फिर उसके बाद हम लोग काम करें। आपकी मांग नहीं पूरी हुई तो क्या करेंगे? मांग अगर पूरी नहीं हुई तो आज अगर ये तो कार पे बहिष्कार रहेगा, अगर ज़्यादा ना हुआ तो संगठन से हम ऊपर बात करके, हम अपनी सुरक्षा से और नोटिस करके संचालन को भी बंद कर देंगे, पूरा देवी पाटन को बंद करेंगे। तभी इनके समझ में आएगा कि कर्मचारी की भूख क्या होती है, गरीबों की हाय क्या होती है। काम नहीं,